नमस्कार न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है कल महाराष्ट्र पुलिस ने भीमा कोरेगा इंसिडेंट को लेकर देश के अनेक हिस्सों में सोशल एक्टिविस्ट ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और लॉयर्स को के घरों पर रेड मारी उनमें से कईयों को अरेस्ट भी किया इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ भाषा सिंह मौजूद हैं भाषा न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है जी भी कोरेगा का इंसिडेंट होता है और उसके बाद हमने देखा कि लगातार इस सोशल एक्टिविस्ट पे लॉयर्स पे जो उनके केसेस लड़ रहे हैं उन उनपे ये हमले बढ़ गए हैं और कल धड़ाधड़ देश के अनेक हिस्सों में बिना पूछे लोगों के घर में घुस के तलाशी ली जा रही है दिल्ली में गौतम नवलखा के केस में जो न्यूज क्लिक के साथ काम भी करते हैं उनको मराठी में दिया जा रहा है उनका जो रिपोर्ट है कि इस इन कारणों से हम आपके घर की तलाशी ले रहे हैं और फिर ट्रांजिट रिमांड की बात की गई दो को दिया भी गया फॉर्चुनेटली कोर्ट ने इंटरवीन किया और पुणे उन्हें नहीं ले जाया जा सका ये आखिरकार ऑल ऑफ सडन पाँच जो अरेस्ट हैं वो पहले हो चुके हैं ये आखिरकार अचानक से ये मुद्दा फिर से क्यों उठाया गया है एक तरफ जब सनातन संस्था पे जो ए है मुंबई की वो लगातार अपना शिकंजा कस रही है देखिए मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि इस समय क्यों गिरफ्तारी हुई और ख़ासतौर से इन लोगों की क्यों गिरफ्तारी हुई या जो रेड पड़ा है जैसा कि आप कह रहे हैं कि सनातन संस्था वाला एक तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि जैसे ही सनातन पे शिकंजा कस रहा है उससे एक तबके में बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि मामला बहुत खुल के सामने आ रहा है कि अभी तक वहाँ की जो पुलिस है जिसे पकड़ना था वो नहीं पकड़ा था और वो पूरे आ, मामले को रफा दफा करने पे उतारू थे इसके साथ साथ मुझे लगता है जो बहुत अहम है जो पिछली गिरफ्तारियां भी हुई थी आ, पांच लोगों की अगर आप दोनों में रिश्ता जोड़िए तो लगातार जो दलित अपसर्ज है दलितों के भीतर जो गहरा आक्रोश है जिसकी एक परिणति हमें भीमा कोरेगांव में दिखाई दी थी और सीधे सीधे वहाँ पर एक चैलेंज सिर्फ पेशवा वाला चैलेंज नहीं था वहाँ पर वहाँ चैलेंज था कि जो राइट विंग अफसर है इसको चैलेंज करते हुए दलित सामने आए थे और तब से कोशिश ही लगातार है कि इसे अर्बन माओइस्ट क्योंकि उनके समर्थन में जो लोग खड़े हैं इस बार जो दिक्कत और तकलीफ सबसे ज्यादा है कि जो लोग भी आदिवासी दलित या मार्जलाइज के पक्ष में खड़े लोग हैं चाहे वो सुधा हों चाहे वो गौतम नौलखा हों चाहे वो जिनके घर छापे मारे गए आनंद तेल तुमड़े ये तमाम अगर आप सेक्शन उठा के देखिए और इसके अलावा जो दो लोग और हैं जिनको पहले से पहले भी गिरफ्तार आ, किया जा चुका है आ, उनका मामला भी आप देखें ये कौन लोग हैं आखिर इनसे कौन डर रहा है ये वो लोग हैं जो ऐसे सवाल उठा रहे हैं जो उनके समुदाय नहीं उठा सकता तो उन लोगों को चिन्हित करके चाहे वो पथलगड़ी का आंदोलन झारखंड में चल रहा हो जहाँ पर फादर उससे जुड़े हुए हैं वो काम कर रहे हैं तो एक तरह से ये बताया जा रहा है कि अगर तुम इन लोगों के लिए बोलोगे खास तौर से मिडिल क्लास को टेररइज करने का बहुत कोशिश है मुझे लगता है ये अर्बन माउस नहीं ये अर्बन इंटेलेक्चुअल्स को इस बात के लिए आ, सजा देने की बात है कि अगर आपने इन लोगों के लिए बात की तो आपका हश्र भी यही होगा तो ये एक माहौल पॉलिटिकल मुझे लगता है गिरफ्तारियां बहुत पॉलिटिकल हैं ऐसा हजार उन्नीस को ध्यान में रखते हुए जी, जी। मीडिया भाषा आप हमारे साथ एक शो भी करती है मीडिया के ऊपर और अगर आप मीडिया के रोल को देखें किस तरीके से रिपब्लिक टीवी जैसे चैनल लगातार इस मुद्दे को पिछले पांच महीने से अर्बन नक्सल्स अर्बन माविस करते हुए इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और एक मॉब हिस्टीरिया इसके लिए क्रिएट कर रहे हैं पूरे समाज में ये क्या सरकार की तरफ से ये मैसेज लोगों तक ले के जा रहे हैं कि आम जनता के दिमाग में ये बैठ जाए कि ये लोग ऐसे ही हैं और फिर इन इनके जो प्रतिरोध है उसको कुचला जा सके देखिए ये बहुत साफ है कि अगर अरबन माओविस्ट वाला आप मामला देखें सुधा भारद्वाज के ख़िलाफ़ वाला मामला देखें आपने रिपब्लिक टीवी का नाम लिया टाइम्स नाउ इन लोगों ने किस तरह से बिल्कुल क्राफ्टेड एक जो पत्र है जिसमें वो सीधे सीधे बोलते हैं कि यही लोग हैं लोग। जिसका सुधा बहुत तगड़ा जवाब देती हैं ऐसा नहीं कि जवाब नहीं देती हैं वो जवाब देती हैं और बताती हैं कि सारा का सारा फ़र्जी है लेकिन एक जो फर्जी खबरों के जरिए लोगों के दिमाग में झूठा छद्म राष्ट्रवाद पैदा करना आज की तारीख में देखिए पूरा का पूरा डिस्कोर्स क्या हो गया है कि आप जो माओवादी ये आपने बता दिया कि ये माओवादी हैं ये पांच लोग जो पकड़े गए ये माओवादी हैं जिनके घर रेड पड़ी वो सारे के सारे नक्सल समर्थक थे नक्सल समर्थक हैं तो इसके लिए कोई शक सुबह कोई आपने गुंजाइश नहीं छोड़ी हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें वो कहते हैं कि किसी भी विचारधारा में विश्वास करने से कोई अपराधी नहीं हो जाता है लेकिन वहां सारी चीजों को आप ताक पे रख देते हैं और सीधे सीधे अनाउंस कर देते हैं तो आप यहाँ पे जो मीडिया का एक सेक्शन है जो बहुत प्रोमिनेंट है जो घरों तक पहुँच रहा है दफ्तरों तक पहुँच रहा है अस्पताल तक पहुँच रहा है रेलवे स्टेशन पर दिखाई देता है एरोप्लेन में दिखाई देता है वो सारे के सारे इस पब्लिक परसेप्शन को बिल्ड कर रहे हैं कि ये जो ग्रुप ऑफ कुछ लोग हैं ये जो गैंग ऑफ नक्सल्स हैं अर्बन नक्सल्स हैं जो भी आप टर्म कहिए इनको ये लोग देश की सुरक्षा और देश की सुरक्षा नहीं प्रधानमंत्री तो के ऊपर हमला करना मतलब अगर आप पत्र पढ़िए तो कोई भी जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी होगा उसे हंसी आएगी कि ऐसी बेवकूफी कोई आ, क्लास आठवीं का भी बच्चा सातवीं का भी बच्चा कर सकता है करते हुए सारी हाँ, और सारी चीजें डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे और दूसरा बड़ा सवाल जो पूछा जाना चाहिए था कि केंद्र में जो सरकार है वो बता रही है कि पिछले साढ़े चार सालों में खासतौर से डिमोनेटाइजेशन को भी अगर आप जोड़ लें तो उसने माओवाद पर नक्सलवाद पर शिकंजा कस दिया खात्मा हो गया कोई बड़े बम ब्लास्ट नहीं हो रहे कुछ नहीं हो रहा क्योंकि वो बता रहे हैं कि ये हमारी उपलब्धि है ऐसी उपलब्धि के दौर में ये जो पांच दस लोग हैं जो बिल्कुल पब्लिक फिगर हैं जो लोग खुल के काम कर रहे हैं गौतम नौलखा क्या काम करते हैं क्या लिखते हैं किन विचारों को समर्थन करते हैं कोई छुपा के नहीं करते सुधा किन केसेस को लड़ती हैं ये कोई छुपा के नहीं करती तो ये दो चीजें उन्होंने एक साथ रची कि ये जो लोग हैं जो पब्लिक फिगर्स हैं ऐसा नहीं कि अरुण फरेरा को कोई जानता नहीं है वो किस तरह के केस लड़ते रहे क्या कार्टून बनाते रहे कब अंदर गए किस मामले को लेके अंदर गए सभी चीजों में बरी भी हुए।, हुए तो सवाल है कि सारी चीजों में जो वो बरी भी हुए और जो उन्होंने अपना पूरा केस प्लीड किया तो वो हम सब दिमाग से गायब कर देना चाहते हैं हम बताते हैं कि ये जो लोग हैं जो पब्लिक फिगर्स हैं लेकिन वो समर्थक वहां हैं तो एक नफरत जो है ध्यान दीजिए कि एक नफरत का माहौल इनके खिलाफ पैदा किया जा रहा है रिपब्लिक टीवी आज सुबह से चला रहा है नेशनलिस्ट मावेस जी तो ये पूरा एक माहौल बनाने हाँ। की की तैयारी गई जब इन दो केसेस को देखें या ये जो सारे रेड्स और अरेस्ट हुए हैं जो इनके खिलाफ जो आवाजें हैं वो भी काफी तेजी से उभर के आई हैं पिछले दो दिनों में और शायद इन्हीं कारणों से कुछ हद तक महाराष्ट्र पुलिस या सरकार भी बैकफुट पे गई देखिए मुझे लगता है कि सरकार ने कभी सोचा नहीं होगा उनको लगा होगा कि रात में आएंगे दोपहर में आएंगे अल सुबह आएंगे और वो उठा के पकड़ के ले जाएंगे जैसा कि वो करते रहे हैं जैसा कि उन्होंने पिछली बार किया लेकिन यहाँ जो तारीफ करने वाली बात ये है कि इनके पक्ष में जो लोग खड़े हुए और ख़ास तौर से जो वकील खड़े हुए जिस तरह से उन्होंने हस्तक्षेप किया अगर वो तुरंत हस्तक्षेप नहीं होता चाहे वो गौतम के पक्ष में हो सुधा के पक्ष में हो और हम सब जानते हैं कि रात में एक एक बजे तक किस तरह से पूरी जो लॉयर्स की टीम है वो खड़ी थी तैनात थी छोड़ने को तैयार नहीं थी अपने अपने जो क्लाइंट्स थे उनको अगर ये लोग मुस्तैद नहीं होते शायद ये इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा इनकी जो योजना बनी होगी कि बस एक मराठी में लाएंगे अगर आप उठा के देखिए पिछले दस सालों के रिकॉर्ड हर मामले में जब गिरफ्तारी होती है तो इसी तरह से एग्जैक्टली exactly डिट्टो टू डिट्टो ऐसे ही होता है कि मराठी में कुछ लिखा होता है और बताया जाता है कि बहुत ही अर्जेंट है उन्हें उनको आ, उठा के ले दी और सुधा वाले मामले में तो हमने देखा कि वो रात में पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ है, कहां है? पूरी कोशिश ये हो रही थी कि उनको आ, किसी तरह से एयरपोर्ट तक ले जाया जाए और आ, तो ये जो सारी चीजें हैं ये बहुत जरूरी हैं और मुझे लगता है ये चीजें मजबूत करनी बहुत जरूरी है कि अगर हम वाकई डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं जो कुछ बचे हुए तंत्र हैं उनको बचाना चाहते हैं तो सारे लोगों को आना पड़ेगा किसी ने नहीं सोचा होगा कि रोमिला थापर जी इतना बड़ा हाँ इतना बड़ा नाम इस उम्र में सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगी और उसका दरवाजा खटखटाएंगी और वहां से कुछ न्याय मिलने की जैसे हाई कोर्ट्स ने बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया कि रिमांड आपने कहा कि जरूरत नहीं है दिल्ली हाई कोर्ट ने जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया अगर उसको मुझे लगता है सारे मीडिया वालों को पढ़ाया जाना चाहिए आधे लोगों को यही पता नहीं कि ये सारे प्रावधान हैं जब सुधा भारद्वाज कह रही थी कि भाई मेरे घर से आप जो सामान ले रहे हैं मुझे आप दिखा नहीं रहे हैं तो आधे पत्रकारों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई कैसे डिमांड कर सकता है कि आप डायरी उठा रहे हैं वो भी उनको पता होना चाहिए तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि पहली बार इतनी प्रोमिनेंटली आ, सामने आई इतना तगड़ा प्रतिरोध सामने आया जिससे थोड़ा बहुत ये बैकफुट में गए हैं कितना जाएंगे वो हम आप देखेंगे लेकिन पहली बार इनको ये सबक मिला है कि हर कुछ ऐसी चुटकी बजाते हुए आप गए उठाया और अदृश्य हो गए आप सीन से और फिर आपने बाद में एक ही ढंग से मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और बता दिया कि ये सारे लोग नाम हैं ये बहुत ज़रूरी और भीमा कोरेगांव तो मुझे लगता है एक केस स्टडी बनता जा रहा है कि, कि कौन लोग थे जो आ, हमला कर रहे थे हम ना करने वाले सारे लोग खुले छूटे हुए हैं घूम रहे हैं आपने अरेस्ट नहीं, नहीं किया उनकी फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बार बार दिखाई देती रहती है हमको प्रधानमंत्री उन्हें अपना गुरु भी मानते हैं है। और इन बातों पे कोई वो बैकफुट पे नहीं है लेकिन बाकी तमाम लोगों के लिए आपने एक अनगिनत लिस्ट खोल रखी है जिसका आपको मन आता है जब मन आता है आप उसमें वो नाम ये पांच लोग और ये दस लोग और

मुझे लगता है कि ये सब कितने लोग हम लोग कितने लोगों तक पहुंचा पाएंगे कि ये सारा दिमाग कहाँ से कहाँ डाइवर्ट करने का है देखिए इस समय एक सनातन पे हम बात ही कर चुके हैं गौरी लंकेश की भी शहादत हुई सारे मामले सामने आ रहे हैं ये भी हैरानी की बात है कि इस तरह से मामले सामने आ रहे हैं कितना वहाँ तक इंसाफ होगा वो अलग बात है अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बैठी हुई है डीजल पेट्रोल के दाम बेलगाम हैं लोगों में गुस्सा है और इस गुस्से को वो भाप रहे हैं तो उसमें तरह तरह के जो औजार होते हैं ना कि अच्छा चलो जैसे पहले था कि डिमोनेटाइजेशन मार दिया फिर उसके बाद जीएसटी लिया है जिसे गब्बर सिंह टैक्स कह के बताया गया और नीचे तक पहुंच गया मामला उसी तरह से मुझे लगता है कि ये एक ऐसा है जहां पर आप दिखाएं कि डिसेंट यानी विरोध के जो स्वर हैं ये हमें समझना जरूरी है कि ये मामूली गिरफ्तारियां नहीं है ये तमाम लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं ये अपने अपने क्षेत्र में उन मुद्दों को उठा रहे थे जो बहुत अहम है चाहे वो आदिवासी से जुड़े हुए हों चाहे वो विस्थापन से जुड़े हुए हों चाहे दलित आ, और स्पेशली तब जब ये सरकार लगातार कॉर्पोरेट हाउसेस को बेनिफिट हाँ तो डिसेंट को कैसे ये अर्बन नक्सल में तब्दील कर दे। देखिए ध्यान दीजिए कि वो जो डिसेंट है वो कभी अर्बन नक्सल हो रहा है कभी उसी अर्बन नक्सल के लिंक कश्मीर से हो जा रहे हैं तो ये सारा जो सारा नरेटिव है वो नरेटिव ये है कि जितने विरोध के स्वर हैं उनको एक बोरे में वो भर दें उस बोरे के ऊपर वो अर्बन नक्सल लिख दें कभी एंटी नेशनल लिख दें और फिर उसको वो एक साइड में डाल दें आ, काली कोठरी में डाल दें और बाकी देश को बताएं कि ये लोग देश के विरोध में काम कर रहे थे और हम ही हैं जो और हम ही हैं जो देश के हम पक्ष में हैं तो ये जो स्पेशली ऐसे समय में मीडिया का जो रोल है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पूरा इन्हीं के पक्ष में इन्हीं की गुणगान में बिजी है तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का दौर है ये और बस ये इमरजेंसी है ही जैसे अरुंधति रॉय ने कहा इसमें मीडिया का क्या रोल होगा आने वाले समय में क्योंकि ये हमले जहाँ तक हैं मुझे लगता है और बढ़ते ही जाएंगे ये हमले भी बढ़ते जाएंगे और मुझे लगता है मीडिया का जो अभी चरित्र है जो उसने अपना कैरेक्टर डिफाइन कर रखा है चाहे वो उसके इन्वेस्टमेंट की वजह से हो चाहे जो उसकी राजनीतिक पक्षधरता है क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल एली, जो उसका एक साझेदारी है आप देखेंगे कि जो उसके मालिक हैं जो बड़े समूहों के मालिक हैं वो अधिकांश आ, या तो भाजपा के सांसद ही हो गए हैं या सांसद बनने की राह पर हैं या फिर आ, वो मुकेश अंबानी और अंबानी समूह से आ, उनका रिश्ता है या वही लोग ओन कर रहे हैं तो ओनरशिप जो है इस समय मीडिया की और बड़े घराने की मीडिया की वो इतनी बेपर्दा हो गई है कि आपको ये भ्रम ही नहीं होगा अगर आप एक पत्रकार हैं या एक आम आदमी भी व्यक्ति हैं तो जी खोलिएगा तो लोग कहेंगे हाँ हाँ इसमें तो मोदी जी की खबर आएगी आप रिपब्लिक देखिएगा तो उसमें लोग बोलेंगे इसमें तो वही खबर आएगी तो ये जो ब्रांडिंग है ये ब्रांडिंग इतनी ऑब्वियस है मेरे ख्याल से मुझे 20-25 साल हो गए पत्रकारिता में इतनी ब्रांडिंग और पंजाब केसरी के बारे में हम सुना करते थे कि हाँ भाई पंजाब केसरी ऐसा अखबार है उसमें ऐसे ही छपेगा लेकिन आज की तारीख में जो मीडिया घरानों ने बेशर्म ढंग से जोड़ लिया है अपने आप को वो एक बड़ा खतरनाक है कि खबरें कैसे पहुंचेंगी शुक्रिया भाषा अपना समय देने के लिए और ये चर्चा हम इस बात पे खत्म करते हैं कि जैसा मुक्ति बोध ने कहा है कि अभिव्यक्ति के जो खतरे हैं वो उठाने ही पड़ेंगे न्यूज क्लिक देखने के लिए धन्यवाद